और ये देखना DRL नीचे के दिखे ऑन हुए हैं, जो ये ब्लिंक हो रहे हैं। देखो यहाँ शिवम है, वहाँ सौरभ और नीचे एक पवन भी है। तो भाई आए थे हम अभी 12 सेक्टर, थोड़ा फोटो शूट वगैरह करने। और अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ एक रिव्यू शूट कर लूँ छोटा सा। ये है भाई ZL डीजल ऑटोमेटिक 4x2, 4x4 नहीं है, 4x2 है, हमें 4x4 की खास जरूरत नहीं पड़ती, तो हमने 4x2 ली है। ठीक है भाई, और थोड़ी गंदी पड़ी है क्योंकि अभी पोस वगैरह गिर रही है ना बहुत ज़्यादा आगे से, तो मैंने साफ़ कर दी हुई। फ़ोटो शूट करना था, बिल्कुल चमका दिया आगे से, देखो क्या शाइन मार था भाई, ब्लैक कलर सब दिख रहा था पीछे तरफ का, इतनी बढ़िया रिफ्लेक्शन पड़ती है। बाकी भाई ऐसी है कुछ लुक्स गाड़ी की, सिनेमेटिक्स तो आपको मिल ही जाएंगे, शूट हुए हैं GoPro में, इधर भी चल रहे हैं, देखो इधर भी सिनेमेटोग्राफी चल रही है। ठीक है, तो ये है कुछ गाड़ी, अब मैं इसको की खींच आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आओगे गेट पे तो रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा यहाँ पे एक छोटा सा, उसको जैसे क्लिक करोगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, अनलॉक हो गई गाड़ी। फिर आपको गेट खोलते, गेट तो भाई बहुत है इसके, ठीक है, गेट खोलते ही आपको यहाँ पे मिलेगा सीट एडजस्टमेंट का, ये 6 वे एडजस्टेबल है, इधर इधर 1 2, नीचे से ऊपर नीचे का होता है, आगे पीछे, और यहाँ से ऐसे ही होता है ऊपर नीचे। ठीक है, ये इसकी भाई बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी देखने को। और फिर उसके बाद हमें मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप, ये सब कुछ इस पर कंट्रोल मिलते हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह। मैंने क्रूज़ कंट्रोल अभी यूज़ करने की कोशिश करी, मेरे से हुआ नहीं, तो मैं देखूँगा इसकी वीडियो वगैरह या पूछूँगा जो भी होगा। ये है पार्किंग के सेंसर का ऑन ऑफ करने का, ये है बीम एडजस्ट करने का, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप पता ही है, फिलहाल मीटर ऐसा कुछ दिखता है इसका, और जब इसमें लाइट जल जाती है तो मीटर बहुत गजब का दिखता है। ये है ऑटोमेटिक 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, 7 इंच की डिस्प्ले आती है, और वायरलेस चार्जर इसमें नहीं आता भाई, ZL 4x4 में ही आता है वो वायरलेस चार्जिंग का, इसमें नहीं आता, इसमें आती है भाई सनरूफ मेरी। और पावर मोड्स देखो, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, वॉलेट हटा लूँ, इधर इधर स्टोरेज मिलती है, सामान वगैरह रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाबी रख सकते हो अपनी, और हैंड रेस्ट अच्छा खासा भाई, स्टीयरिंग देखो, और इसमें बैठ जाते हैं ना बिल्कुल टैंक जैसी फीलिंग आती है। स्पीकर आते हैं इसमें सोनी के, 12 स्पीकर है टोटल। ये देखो इसके बेसिक मोड्स में बता देता हूँ, ये ऑन ऑफ का हो गया, ये सिलेक्शन का ट्यून वगैरह करने के लिए, और इसमें वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, सेट ट्यून वगैरह सीट वगैरह चेंज कर सकते हो, और ये सारे AC कंट्रोल है, ड्यूअल जोन है, अगर जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो इस साइड के AC का टेम्परेचर होगा वो भी इस साइड के AC का सेम हो जाएगा, मतलब ये दो AC अलग टेम्परेचर पे चल सकते हैं, ये दो AC अलग टेम्परेचर पे चल सकते हैं, और पीछे का एयर वेंट है वहाँ पे भी अलग से कंट्रोल दे रखा है फ्लो का। और हाँ, इसमें SOS का फीचर है, वही कॉल हो जाती है, XUV में चलता नहीं था लेकिन इसमें वर्किंग दिया है इन्होंने, और ये वर्किंग है, मतलब बेसिकली बात वगैरह कर सकते हो, और इसमें सिम आती है पहले से डली हुई, ई सिम बोलते हैं उसको, और Alexa enabled है गाड़ी। फिर ये आता है ड्राइव मोड, जिप जैप जूम, जिप में कम स्पीड होती है, जैप में सिटी के हिसाब से ज़्यादा कम ओवरटेक वगैरह के लिए, और जूम भाई एंड जूम बिल्कुल एंड है, और 4000 साढ़े 4000 तक RPM ऐसे जाते हैं ना बिल्कुल क्विक। फिर ये आता है हिल डिसेंट कंट्रोल, क्योंकि ऑटोमेटिक है भाई, हिल डिसेंट कंट्रोल इसमें नीड है, ऑटोमेटिक में होता है कि गियर अपने आप चेंज होता है स्पीड के हिसाब से। ये आता है ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें MLD शायद नहीं आता, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा अगर MLD आता है नहीं आता, MLD नहीं आता इसलिए इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है। ये हाइब्रिड का है, वही अपने आप जैसे ब्रेक मारोगे तो ऑफ हो जाएगी। ये है फ्रंट कैमरा का, ये वही चल गए ऑन तो हो गए लेकिन मीटर में नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख गए मीटर में भी दिख गए, थोड़ा स्लो है भाई, थोड़ा डिले आता है, और मेरे को हॉर्न का भी डिले लगा, जैसे मैं बटन दबा देता हूँ ना उसके पॉइंट सम सेकंड बाद हॉर्न बजता है। ठीक है, ग्लव बॉक्स में दिखा देता हूँ, ग्लव बॉक्स में सामान वगैरह रख सकते हो, और ये इधर कूल्ड ग्लव बॉक्स है, मतलब बॉटल वगैरह रखोगे तो ठंडी रहेगी। पावर विंडोज़ मिल जाती है भाई सारी, हैंड ब्रेक हुई है मैनुअल, XUV तरह नहीं आता, नहीं अभी नहीं भाई, ये दिक्कत है यार इसकी, मतलब जितनी बार भी आप ये बटन दबाओगे ना उतनी बार जो भी फ़ोन कनेक्टेड होगा इसके साथ एड्रेनोक्स के साथ उस पर नोटिफिकेशन जाती है कि भाई गाड़ी ऑन हुई है बंद हुई है सब कुछ दिखता है। अरे वाह भाई वाह सौरभ ब्रो, गजब कर दिए हो यार, ये तो पहले दिखाना नहीं चाहिए था, क्या नहीं दिखाना चाहिए था ये वाला, हाँ मैं एडिटिंग करने में टाइम लगेगा, अभी तो डिलीवरी की करनी है एडिट, डिलीवरी की एडिट नहीं करी अभी तक गाड़ी की मैंने, छोटे बातें वगैरह तो चलती रहेंगी भाई। ये देखो ये सनरूफ है इसकी, कुछ थोड़ी गंदी होगी क्योंकि ओस बहुत गिर रही है, देखो ये ओस है भाई, ये सारे अंदर भी ठंडी ठंडी हो रखी है बिल्कुल भाई साहब। और ये है विंडशील्ड, ओ क्या यार सनरूफ, सनरूफ ओपन करने का,
ये था गेट वगैरह का कुछ है शायद, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता। हाँ गेट खुले होंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, जैसे मैं देखो बंद करूँगा। ये देखो ये एनिमेशन देखो, गाड़ी आती है इस डिस्प्ले से, लेफ्ट वाले डिस्प्ले से राइट वाले डिस्प्ले में आती है और बंद। ठीक है तो लाइट फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, हो गई थी वैसे खुद ही बंद हो गई थी वो। यहाँ से लेफ्ट साइड, अरे यार वो जब तक ऑन नहीं करूँगा तब तक दिखा नहीं। लेफ्ट साइड का पावर वो ऑन कर सकते हैं, राइट का ऑन कर सकते हैं। इधर वो है सनग्लास होल्डर है, ठीक है। ये है भाई इसकी चाबी, कुछ मैंने कवर चढ़ा रखा है इस पर, क्योंकि मैं कीरिंग वगैरह रखने पसंद नहीं है। तो कीरिंग क्या यार, इतनी हैवी चाबी दी है, जरूरत भी नहीं है कीरिंग की। और इतनी गजब का कवर है ना ये, ऐसा लगता है वो पकड़ा हुआ आईफोन। स्पेस वगैरह भाई अच्छा खासा मिल जाता है गाड़ी में, काफ़ी पीछे तक है स्पेस। उधर लाइटें भी हैं, इधर भी लाइटें हैं, मतलब तीनों रो में लाइट्स मिल जाती हैं। लाइट्स की कमी नहीं होगी भाई, कुछ करना हो तो मैं गाड़ी के अंदर, मतलब पढ़ाई करनी हो लिखाई करनी हो तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है तो ये था कुछ रिव्यू। अब मैं पीछे बैक सीट जाता हूँ, वो ना टम्बल डाउन हो रखी है, मैं भूल गया था ऊपर करनी, तो मैं एक बार बैक सीट ऊपर कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये हाइड्रोलिक मिलता है यहाँ पे, हाइड्रोलिक मिलता है, आवाज़ भी करता है शायद, आई हो कैमरे में आवाज़। ये देखो यहाँ पे भी वो लाइट्स है, लाइट ऑन होगी, इधर की भी है, ये ऑन होगी। ये थी सीट, इसको खींचूंगा, ये पीछे सेट होगी, अब ये कहीं नहीं गिरेगी। इसको नीचे करना है तो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये इसको पकड़े खींचो तो नीचे जाती है, इसको पकड़े खींचो तो और नीचे हो जाती है, मतलब ये टू टाइम्स फोल्ड होती है, ऐसा कुछ सीन है। फॉग निकल रही है मुंह से, क्या कर रहा है ये रील, ये रील बनाएंगे रील। अरे इधर मत पेल दियो नहीं है अभी तो भाई ऐसा कुछ था सीन। और इसमें ना डीआरएल बड़े भयंकर आते हैं, मैं दिखाता हूँ। एक तो इंडिकेटर बड़े वो है मैट्रिक्स टाइप के, फ्लो में चलते हैं। और ये देखना डीआरएल नीचे के दिखे ऑन हुए हैं, जो ये ब्लिंक हो रहे हैं, ये दो बार ब्लिंक होते हैं दिखाने के लिए कि गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। और फिर जब बैठ जाओगे स्टार्ट कर दोगे तो आराम से बस ब्लिंक होती रहती है, ओ ब्लिंक होती रहती है, ऑन रहती है डीआरएल, ऑन रहते हैं। और फिलहाल अभी हैं, हाँ हाँ बनाओ बनाओ।